की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 2, परचेज पेबल एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो भी था। और आज जो हमें पढ़ना, आज की टॉपिक जो है वो है स्पेसिफाइंग ऑफ क्रेडिट लिमिट फॉर पार्टी, यानी पार्टीज के लिए हम क्रेडिट लिमिट सेट करेंगे। इसका क्या मतलब समझिएगा, जैसे कि होता है ना कि कौन व्यक्ति कैसा है वो आप कहीं ना कहीं समझ लेते हैं बिजनेस में। तो होता है ना, सबको आप एक बराबर कर्जा नहीं देते, किसी को 1 लाख कर्जा दोगे उससे ज्यादा नहीं दोगे, किसी को 2 लाख 3 लाख दे दोगे। तो वही क्रेडिट लिमिट सेट करना है, अगर चाहे क्रेडिटर हो या डेबिटर हो, यानी आपका सप्लायर हो या कस्टमर हो, सबके लिए। तो कैसे सेट करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें कहा है कि एज 1 जुलाई लिमिट ट्रेडर्स, यानी सत्या ट्रेडर्स का एक लेजर बनाना है और उसका क्रेडिट लिमिट कितना कितना 3 लाख रुपये सेट करना है, कितना क्रेडिट। चलिए ठीक है, चलिए करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है, दिया भी हुआ है, सेट मोड कॉन्फ़िगरेशन में यस करेंगे और क्रेडिट लिमिट को यस करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। चलो ठीक है, चलिए एक नया लेजर बनाएंगे सत्या ट्रेडर्स के नाम, किस नाम से, सत्या ट्रेडर्स, मिनिमाइज किया, कंपनी ओपन कर लीजिए। हो गया, हाँ। चलिए तो क्रिएट में आ जाइए, लेजर में आ जाइए, बनाइए सत्या क्या है, सिंडिकेटर या डेप्टर, क्या रखना है इसको, डेप्टर आपका कस्टमर है, क्या है कस्टमर है, क्या रखना है संडे। और यहाँ एक्चुअल लगा लीजिए, यहाँ लिखा होगा प्रोवाइड लिमिट क्रेडिट लिमिट, देख रहे हैं ना, तो क्या कर दिया, यह सही है ऑलरेडी, प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट कंट्रोल ऐसे। और डिफॉल्ट क्रेडिटर यहाँ पे यस करिए और यहाँ लिमिट सेट करिए, कितना 3 लाख रुपए है ना, इतनी लिमिट हो गई। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, दिया भी होगा यहाँ पे आपका 3 लाख रुपये, ठीक है। और इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, पहले नंबर डाल लीजिएगा, होगा तो हो गया। अब हम इस पार्टी ग्रुप को सामान बेच रहे हैं, ठीक है, कितनी लिमिट रखे हैं 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा, कहा है कि जस्ट उस लिमिट सेट करने के बाद 1 जुलाई को श्रीदेवी इंटरनेशनल ने क्या किया है, 2,42,000 का एग्री किया है 30 दिन में देने के लिए, 16 स्टॉक आइटम, उसमें कुछ सामान आप बेचे हैं जिसमें से 2,42,000 जो भी है उन्होंने एग्री किया है 30 दिन के भीतर देने के लिए। आप चाहें तो यहाँ क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते थे, अल्टर में आ जाइए, और जो आपने लेजर बनाया लेजर में आ जाइए सच्चा वाला, उसमें क्रेडिट डेट भी सेट कर सकते थे आप यहाँ पे 30 डेज को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये काम हो गया। अब क्वेश्चन किया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में, ठीक है। अब क्या कहा है सुनिएगा, तो ये तो हो ही गया हमारा, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि रिकॉर्डिंग सेल्स वाला रुपीज 1 लाख रुपया विल नॉट बी एबल टू सेल्स एंड जनरेट सेल्स बिल बिकॉज एक्सचेंज एग्रीमेंट। अब देखिएगा, तो सबसे पहले 2,42,000 का कोई सामान बेचना पड़ेगा हमें, तभी तो उसे पैसा पाएंगे ना, ठीक है। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन दिया क्या, हाँ ये दिया ना, हाँ अरे ये दिया ना, हाँ अच्छा वही सेल दिया, अरे ठीक सेल नहीं दिया है, दिया होगा, है,
अमाउंट क्या है? 270 का दिखा रहा है ना टोटल अमाउंट, 270 का नहीं है तुम्हारे में भी नहीं ले आओ, दे दो। बाद में फिर लेके आओगे तो तुम पहले वो पहले मिल गया तुम्हें। मिल नहीं एडवांस बता है तुम्हारी स्पेशल लिमिट कहाँ से? नहीं दिया है वीनस वॉर नहीं अभी पढ़ाया ना, ये पढ़ा रहे थे, नहीं दिया है तुम्हारा। फोटो खींच लीजिए इसका, फोटो खींचिए इसका जो सामने दिख रहा है, फोटो खींच लीजिए। हो गया खींच लिए फोटो, चले दिखे जाना। अब क्या करना है इसको, इस ट्रांजेक्शन को हम लोग करेंगे ज्यादा बेहतर है। इनवाइस नंबर 13 जो भी है वाउचर में आ गए या फिर से सेल्स आ गए, डेफरेंस नंबर 13 हो गया, पार्टी का नाम, अरे डेट अभी सही नहीं है, फाइनेंशियल और टेक्नो 1/4/23 से, और वाउचर में आ गए, इंटर किया, रेफरेंस नंबर दे दिया 13 है, 13 दे दिया, डेट ले लिया, पार्टी का नाम सत्या हो गया, इंटर किया, सामने देखिए सेल्स अकाउंट ले लिया, आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, आइटम का नाम दिया हुआ है ELG 6 KG टॉप लोड, ELG 6 KG टॉप लोड। गोडाउन ले लिए, गोडाउन गोरखपुर होगा उत्तर प्रदेश, गोरखपुर कर लीजिए आप। क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 15 पीस, किस रेट पे है, 18 रेट पे ना। देखिए कितना अमाउंट हो रहा है, 2,70,000, इंटर करिए, देखिए एक्सेप्ट करिए, रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, देखिए इंटर किया, एक्सेप्ट किया, देखिए हो गया, एक्सेप्ट हो गया ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं आई ना, लेकिन फिर से इसी कर रहा है, देखिएगा एक और क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे, फिर दिया हुआ है कि 14 नंबर से यहाँ 14 डाल दिए, और सत्या ही सत्या है, और यहाँ सेल्स अकाउंट अब ले लिया ELG 6 KG होगा, इधर 6 KG टॉप, ELG 6 KG टॉप लोड, लोकेशन ले लिया गोरखपुर, इंटर किया कितना पीस है, 10 पीस, 18,000 के रेट से 1,80,000, जैसे इंटर करेंगे, इंटर करेंगे एक्सेप्ट करने जाएंगे तुरंत मना कर देगा आपसे, देखिएगा रेफरेंस नंबर 14, अभी देखिएगा इंटर करिए, अभी देखिएगा कह रहा है सर क्रेडिट लिमिट आप सत्या ट्रेडर 3 लाख की है, एक्सीड हो रही है, 4,50,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, नहीं कर सकते, समझ रहे, नहीं हो जाए, नहीं हो पाए, ट्रांजेक्शन नहीं कर करना करना होगा, जो क्रेडिट लिमिट जो सेट किया उसको बढ़ा दीजिए, क्या करा, 3 लाख से और ज्यादा कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, लिमिटेड ना चेक करें, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लिमिट वाला, इससे पहले मांगता था नहीं मांगता था, हम मांग रहे, क्यों मांग रहे, वही रीजन बता रहा हूँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलो तो ही नहीं मांगेगा, ऐसे ही और लिमिट दिया होगा सेट करने के लिए, देखिए किसका किसका लिमिट दिया हुआ है, अच्छा देखिए एक ही साथ 2 लोग की लिमिट सेट करने के लिए दिया है, यहाँ दिया सत्या क्या और हरी का, एक साथ कई लोग अभी कर सकते हैं, मल्टी लेजर क्रिएट वो करना है अगर, तो जानते ही आप लोग लिमिट कैसे सेट होगा,
आप आएंगे चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, लेजर में और RTH मल्टी अल्टर में आ जाएंगे, या मल्टी क्रिएट में, पहले टाइम भी ना आए, पहले टाइम में क्रिएट में आ जाएंगे, मल्टी अल्टर में आ, मल्टी अल्टर बहुत सारे अल्टर में आ जाएंगे, मल्टी क्रिएट कर लीजिए, इंटर Alt-H मल्टी क्रिएट, लेजर का नाम क्या रहेगा, क्या बनाना है देखिए तो, अभी वेनस का बनाना है, वेनस का, देखिए वेनस का कोई लिमिट नहीं सेट करना है, देखिए स्क्रीनशॉट में लगा हुआ है, वेनस का कोई लिमिट दिया हुआ है, हो गया उसके नहीं नीचे तुम्हारे में भी दिया हुआ है वेनस का, देखो नहीं वेनस वर्ड दिया हुआ है, हरी का देख लीजिए, हरी का, हरी का पहले से बना हुआ है हरी ना, तो हरी बना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, जाके सेट करना पड़ेगा, यहाँ अल्टर में आ जाइए, देखिए सामने लेजर में आ जाइए और हरी का ले लीजिए, रहा हरी, और यहाँ लिमिट सेट कर लीजिएगा, यस किया, और लिमिट कितनी लिमिट है हरी की, देखिए 2.5 लाख है, वो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख है, 2.5 लाख, 2.5 लाख लिमिट सेट कर दीजिए, तो हरी से तो बहुत ज्यादा कम कर चुके हैं, बहुत ज्यादा सेल कर चुके हैं, अब कुछ भी सेल करेंगे ना हरी को तो लिमिट दिखाएगा, देखिएगा अभी आ गए वाउचर में, रेफरेंस नंबर कुछ भी ले लिया, 15 लिया मान लो, हरी को ले लिए, हरी को तो कुछ भी सेल करेंगे ना, क्वालिटी हरी से बहुत कुछ सेल कर चुके हैं, और तो कुछ भी सेल करेंगे तो लिमिट दिखाएगा इसका, हरी आइटम बना लिए, अच्छा डीएनजी ही ले लेना, ये भी नहीं उठाएगा, कुछ ही क्यों नहीं उठाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा ले चुके हैं इसके लिए, 10 ही ले लिया, और देखिएगा इंटर करेंगे और नहीं उठा देगा, देखिए देखिएगा, अरे पागल, हरी से ऑलरेडी 11 लाख 30 हजार कर चुके हो, हरी आपका पार्टी नहीं है, हरी पहले ही का पार्टी है, आप पार्टी पहले ही से बना है, पहले ट्रांजेक्शन से हुआ है, और अब जाके लिमिट सेट किए हो, तो कह रहा है कि पहले ही ऑलरेडी 11 लाख 30 का आप कर चुके हैं, और आप फिर से ले रहे हैं, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते आप, पहले क्या हो गया, हो गया नियम प्रॉब्लम क्या ना, काम के अच्छा करंट बैलेंस ऑलरेडी उसका है, 11 लाख 30 हजार कर्ज है, उससे आपको पाना है, और फिर 1 लाख 80 दे देंगे, नहीं 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 देना है, बता रहा है, समझ में आ गया ना, अब ये है क्रेडिट डेबिट शीट करना, कर लेंगे, चलिए ये सत्या वाला हो गया आपका, देखिए मैसेज भी लगा हुआ है, देखिए देखिए इसका, इसमें देखियो, इसमें भी 11 30 ही आया है, देख रहे ना, इसमें भी 4 85 आया, सब मैच कर रहे हैं हम लोग, चलिए अगला कर लीजिएगा, हरी वाला भी करके दिखाई दिए आप लोग, वेनस वर्ड वाला बाकी है क्या, चलिए वेनस वर्ड करिए, इसका लिमिट कितना सेट करना है, इसमें लिमिट नहीं सेट करना है, उसमें क्रेडिट पीरियड डाल देना है, क्रेडिट पीरियड कुछ डालिएगा मत, चलिए छोड़िए, इसमें कुछ डालिएगा मत, उसी क्यों नहीं डालेंगे वेनस वाले में, इसलिए मत डालिएगा, क्योंकि अगर क्रेडिट पीरियड डाल देंगे 30 30 डेट नहीं डाल पाएंगे, 14.1 14.2 ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, मान लो 10 10 दिन होता है, जैसे मान लो 1 लाख का सामान लिए तो होता है ना, आदमी कह रहा 3 बार में हम जमा करेंगे, पहले 30 हजार, फिर 30 हजार, फिर 30 हजार, और एक बार 10 हजार, कितना इंस्टॉलमेंट बना, 4 इंस्टॉलमेंट बना, हमारा हाँ सेट कर दिए 20 दिन का, सारे लिमिट 10 10 दिन अंतराल में है, 40 दिन होगा ना, अब तुम डाल दे रहे हो 20 दिन, या 40 या 28 डाल दे रहे हो, तो कहाँ अलग अलग बिल बना पाओगे, जनरेट नहीं कर पाओगे, हाँ एक ही बार में होगा, देखो कैसे होगा, क्या नाम है पार्टी का, वेनस वर्ड, हाँ कहाँ दिया हो, 14.1 14.2 नहीं लिखा है, बता वही बता रहा है तुमको, उसमें 20 दिन नहीं डाला गया होगा, देखो यहाँ पे क्रिएट में आओ, लेजर में आओ, क्या नाम है उसका जी, वेनस वर्ड, अगर इसमें बना हुआ पहले जैसे देखना अभी, तो चलो इस क्वेश्चन को पहले करके दिखा दे रहा हूँ, तब तो दिखा दे रहा हूँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेल करिए वेनस वर्ड को, क्या सेल करना है वेनस वर्ड, 10 पेज वही है, 14 है ना, अपलोड जो भी है पार्टी का नाम वेनस, सेल्स अकाउंट LG 6 KG है ना, टॉप लो,
गोरखपुर में 10:20 18 जगह पे देखिएगा अभी इंटर कर रहा है, इंटर किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्रेडिट लिमिट लिख रहा है ना, कितने दिन का लिमिट सेट किया है, 20 दिन का किया है ना पहले ही से। और जैसे इंटर करेंगे यहाँ भरने का ऑप्शन नहीं देगा, यहाँ कहीं भी नहीं करेगा काउंटर को। और जब यहाँ पे आएगा तो हम 14.1 14.2 कुछ भी डालेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है, देखो बिल कैसे सेट किया हुआ है, कैसे सेट किया हुआ है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 3 दिन वो आवाज किए हैं। पहला कहें 10 दिन में देंगे, फिर 15 दिन में देंगे, फिर 20 दिन में पूरा पेमेंट डन कर हम तो इकट्ठा हम इकट्ठा फिर दिखा दे रहा है 20 दिन का। तो क्या करना पड़ेगा इस पार्टी को, इसके तो पीछे आइएगा, इस पार्टी को मॉडिफाई करेंगे क्या करके, कंट्रोल इंटर, और यहाँ जो 20 दिन सेट किए हैं तो क्या करेंगे हटा देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर करिए। और देखिए अब देखिए अब यहाँ पर आ रहा है 14.1 कितने दिन में, 10 दिन में कितना हजार रुपये, 80,000। फिर न्यू रुपये 14.2 कितने दिन में, 15 दिन में कितना हजार रुपये, 50,000। और फिर 14.3 कितने दिन में, 20 दिन में कितना रुपया, यही 10वां दिन, 10वां दिन 80,000 देंगे, 15वां दिन 50,000 देंगे, और 20वां दिन 50,000 है, वही इसी बात हो रही है, लेकिन हम लोग उस तरह करेंगे तो इकट्ठा लग जा रहा है, समझ रहे हैं ना। बस 3 दिन का 3 इंस्टॉलमेंट बना लेंगे, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ में आ गई बात ना। अब जब इसका चेक करेंगे, क्या नाम था इसका, मेरा थोड़ा था अल्ट जी, और क्या था बिल रिसीवेबल, इंटर कर देखिए, 3 बिल दिखा रहा होगा, 14.1 14.2 14.3 लिख रहे हैं ना, यही करना है, स्क्रीनशॉट लगाया गया वही वाला, ठीक है कर लेंगे। देखिए ये रहा स्क्रीनशॉट, यही लगाया गया मैंने थोड़ा सा, ठीक है अल्ट जी स्टॉक समरी वाशिंग मशीन, चलिए वाशिंग मशीन ठीक है। नेक्स्ट अगला क्या है, वाउचर रिसीव करना है, क्या करना है रिसीव करना है, कितना 80,000 रुपये रिसीव हो रहा है, किससे 14.1 से, चेक हिस्ट्री रिसीव हो रहा है, कहाँ जाएंगे वाउचर में, F6 से रिसीप्ट वाउचर में, देने वाला कौन होगा, वेनस है ना, वेनस अगेंस्ट में से 14 पड़े को, यहाँ पे कई बिल दिखाएगा इसका, देखो सामने यहाँ कई बिल दिखा रहा है, यहाँ क्या लेंगे 80 वाला ले लेंगे, तो कोटक में ही आएगा, चेक नंबर दिया हुआ है, चेक नंबर दिया हुआ है क्या है 23005 23005, बस हो गया कर लेंगे, कर लेंगे ना, बस हो गया। अब पेमेंट परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे अपने के लिए, पेमेंट परफॉर्मेंस चेप्टर है क्या, वही रेशियो एनालिसिस है, एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी, उसका टर्नओवर क्या है क्या है नहीं सारी चीज। रेशियो एनालिसिस देख रहे हैं ना, ये क्या है टर्नओवर, रेशियो एनालिसिस टर्नओवर जो भी है दिखाया है, रिसीव टर्नओवर रिटर्न टर्नओवर, रिसीव टर्नओवर क्लिक करिए, दिखा रहा है सबका कितना है, 36 दिन 62 दिन जो भी कितना है, देख रहा ना, तो दिखा है किसका, देखा है वेनस का दिखाया है, स्क्रीनशॉट में किसका दिखाया है, वेनस का वेनस का दिखाया है ना, वेनस का, तो यहाँ ले लीजिए क्या वेनस वो लिखा है, ये लिखा है सेम, ये लिखा है ठीक हो जाएगा ना, हाँ सब लिखा ही रहे, -10 डेज भी चला गया है ना, कर लेंगे ना। हाँ अब बिल पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट इन टेली क्राइम खत्म ही है चैप्टर, अगला चैप्टर छपवाना पड़ेगा, ठीक है कोई दिक्कत है।